वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सचिन अरोड़ा आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे और तैयार भी होंगे आज खास और नए सेशन के लिए। देखिए, आज से हमने 5 दिन तक लगातार एक नया सेशन आप लोग के लिए स्टार्ट किया है, जिसका नाम है लक्ष्य क्रैक कंप्यूटर एग्जाम। यानी जो हमारा लक्ष्य है यहाँ पर वो है कंप्यूटर एग्जाम को क्रैक करना, जिसके लिए हम यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। यानी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो वो क्वेश्चन इसी सेशन से रहेंगे। अगर आपने इन 5 दिन में अच्छे से पढ़ लिया तो यकीन मानिए कि आप मैक्सिमम यहाँ पर एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। तो 5 दिन 5 पेपर लगातार ये चलेंगे। टाइमिंग याद रखिएगा, ये सेशन लाइव चलेगा रोज शाम 7 बजे और आज है इसका day 1। तो चलिए शुरू करते हैं। वेरी गुड, तो गाइस देखते हैं। और यहां पर देखिए, इन क्वेश्चन को कराने का मेन मकसद क्या है। जितना आपने अभी तक के सेशन में चैप्टर वाइज पढ़ा, यानी हमने ऑलमोस्ट कई सारे चैप्टर कवर किए हैं, अब जो आपने चैप्टर वाइज पढ़ा और समझा, अब उसको इंप्लीमेंट करने का समय आ चुका है। यानी एक तरीके से आप इसको मानिए कि ये एग्जाम बिफोर एग्जाम है। तो एग्जाम से पहले की तैयारी जैसे होती है, उसी तरीके से आपको ये फील करना है। और आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करके देखना है कि आपको कितना आता है, और फिर इसके बाद मैं तो आंसर बताऊंगा, उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा, और जितने ऑप्शन है उन सबके साथ हम लोग यहाँ पर खेलने वाले हैं। तो बिल्कुल शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सेशन अगर पसंद आए तो सेशन को लाइक करिएगा। और अगर आपका कोई भी डाउट किसी भी क्वेश्चन में होता है तो आप प्लीज उसको कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलिए गाइस, बिना समय की बर्बादी किए, विदाउट फर्दर एडू, शुरू करते हैं आज के इस बेहतरीन सेशन को। तो बताइए आप लोग, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। कैश मेमोरी इज लोकेटेड बिटवीन, कैश मेमोरी होती है किसके बीच में। ऑप्शन है रैम एंड रोम, सीपीयू एंड हार्ड डिस्क, CPU एंड motherboard, CPU एंड मेन मेमोरी, या फिर रजिस्टर एंड रोम। क्या होना चाहिए इस पार्टिकुलर क्वेश्चन का सही जवाब? बिल्कुल दीप्ति, बिल्कुल आप जानते हैं कि 5 days रिमेनिंग है ना। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिल्कुल इसका सही आंसर होगा CPU एंड मेन मेमोरी, यानी option number 4। किस तरीके से हमने option 4 दिया, चलिए सबसे पहले देखते हैं। देखिए, कैश मेमोरी की बात करें तो आपको पता होगा कि कैश मेमोरी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरी। यानी रजिस्टर के बाद जिसका नंबर आता है वो है आपकी कैश मेमोरी। और जब भी सीपीयू को किसी भी डेटा को प्रोसेस करने की रिक्वायरमेंट होती है, सीपीयू उस डेटा को सबसे पहले कहाँ ढूंढता है, जरा बताइएगा। बिल्कुल सही, सीपीयू सबसे पहले उस डेटा को रजिस्टर में ढूंढता है। अगर वो डेटा सीपीयू को रजिस्टर में मिलता है, बहुत बढ़िया। अगर नहीं मिलता है, फिर सेकेंड नंबर पर उसको ढूंढा जाता है कैश मेमोरी में। तो इसीलिए, क्योंकि सीपीयू ढूंढता है कैश मेमोरी में, और अगर कैश मेमोरी में भी नहीं मिलता, फिर उसको ढूंढा जाता है प्राइमरी मेमोरी में, इसका मतलब रैम में। इसीलिए सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच, मेन मेमोरी का मतलब रैम, सीपीयू और रैम के बीच में जो लोकेटेड होती है वो क्या है, कैश मेमोरी है। क्लियर है? वेरी गुड, अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखो, अगर सबसे पहले रजिस्टर में ढूंढता है, फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पर कहां ढूंढा जाता है, अगर रजिस्टर में मिल गया डेटा तो बहुत बढ़िया, नहीं मिला तो उसको रैम में ढूंढा जाता है ना, कैश मेमोरी में ढूंढा जाता है, फिर रैम में ढूंढा जाता है, फिर हार्ड डिस्क में ढूंढा जाता है। तो ये पूरा सीक्वेंस रहता है सीपीयू का डेटा को ढूंढने का। अगला क्वेश्चन बताइए, फील्ड्स इन अ डेटाबेस आर ग्रुप्ड टू फॉर्म, डेटाबेस में फील्ड किसका कलेक्शन है, डेटा फाइल, डेटा रिकॉर्ड, मेन्यू, डेटाबेस या DBMS। अब देखो इसका आंसर कैसे करेंगे, आपको डेटाबेस की हायरार्की पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या आता है, बिट, बिट के बाद आती है बाइट, फिर फील्ड आती है, फिर रिकॉर्ड आता है। यानी फील्ड के बाद अगला नंबर आता है किसका, रिकॉर्ड का। क्या रिकॉर्ड कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है, यानी डेटा रिकॉर्ड। तो यानी सेकंड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बनेगा।
अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एमएस पावर पॉइंट। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आना तय है, इस तरीके का एक क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर मिलेगा आपको। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन एमएस पावर पॉइंट। बताइएगा कि पावर पॉइंट में मैक्सिमम कितना जूम करना पॉसिबल है। तो बिल्कुल याद रखिएगा इस केस में आंसर होगा 400, यानी फोर्थ बिल्कुल सही जवाब यहां पर होगा। लेकिन सेम यही क्वेश्चन एमएस वर्ल्ड में भी पूछा जा सकता है कि मैक्सिमम जूम परसेंटेज एमएस वर्ल्ड में कितना होता है। तो अगर एमएस वर्ल्ड का मैक्सिमम जूम पूछा जाएगा तो आंसर होगा 500, क्योंकि एमएस वर्ल्ड में 500% जो है वो मैक्सिमम नापी जाती है, मैक्सिमम है 500। लेकिन अगर पावर पॉइंट में पूछेंगे तो आंसर कितना होगा, 400 होगा। अगर यहीं पर क्वेश्चन मिनिमम पूछ लिया जाता कि पावर पॉइंट में मिनिमम जूम परसेंटेज कितना होता है या एमएस वर्ल्ड में मिनिमम जूम परसेंटेज कितना होता है, तो याद रखिएगा कि दोनों ही केस में मिनिमम जूम परसेंटेज है 10%। आंसर क्या होगा, 10%। क्लियर है। वहीं एक क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट परसेंटेज कितनी होती है, यानी अगर एमएस पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट जूम परसेंटेज या एमएस वर्ल्ड में बाय डिफॉल्ट जूम परसेंटेज कितनी होती है, तो आंसर होगा 100%। यानी बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है अपने आप, और अपने आप ये परसेंटेज कितनी होती है, दैट इज 100%। याद रखिएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द लास्ट बार इन एमएस एक्सेल विंडो। एमएस एक्सेल विंडो में सबसे आखिरी वाली बार को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन एमएस वर्ल्ड से भी आ सकता है, ये क्वेश्चन पावर पॉइंट से भी हो सकता है, सब में आंसर एक ही होगा। और आप जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से कि लास्ट वाली बार को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं, जहां पर आपकी फाइल्स का स्टेटस दिखता है, जो ओपन फाइल्स होती हैं उनका स्टेटस दिखता है, तो इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं दैट इज स्टेटस बार। यानी फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। सबसे ऊपर वाली बार कौन सी होती है, तो आंसर है टाइटल बार होती है। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि उस बार का नाम बताइए जहां पर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन होते हैं, उस बार को क्या कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा दैट बार इज कॉल्ड टाइटल बार। और टाइटल बार के नीचे वाली बार होती है दैट इज मेन्यू बार। क्लियर है। और लास्ट बार है आपकी स्टेटस बार। आगे बढ़ते हैं। द वायरस दैट स्प्रेड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड। बहुत बढ़िया, वेरी गुड गाइस। अब आपको बताना है कि वो वायरस जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एंटर करता है उसे क्या कहते हैं। बूट वायरस, मैक्रो वायरस, फाइल वायरस, एंटीवायरस या फिर फिशिंग। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है एमएस वर्ल्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, और इनमें एंटर करने वाला वायरस होता है मैक्रो वायरस। यानी आंसर होगा सेकेंड, दैट इज मैक्रो वायरस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आर के, किरण, प्राची, कुमार, सनी, वेरी गुड। अगला देखिए। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक एंड सेक्टर। यानी डिस्क को, डिस्क का मतलब यहां पर हार्ड डिस्क है, तो डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करना क्या कहलाता है, जरा बताइएगा। ट्रैकिंग, फॉर्मेटिंग, क्रैशिंग, अलॉटिंग या पार्टीशनिंग, क्या होगा सही जवाब। देखिए जब भी हम किसी भी हार्ड डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में डिवाइड करते हैं तो इसका मतलब कि हम अपने फॉर्मेट हुए डेटा को फिर से रिकवर कर सकते हैं, है ना। कई सारे आपने सुना होगा ऐसे सॉफ्टवेयर आते हैं जिसके थ्रू हम फॉर्मेट हुए डेटा को भी फिर से रिकवर कर लेते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन कई लोग इसका आंसर लगाकर आते हैं पार्टीशनिंग, जो कि बिल्कुल गलत जवाब होता है। सही जवाब होगा फॉर्मेटिंग। आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। व्हाट ईयर वाज विंडोज एक्सपी रिलीज्ड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विंडोज एक्सपी किस ईयर में रिलीज की गई, आपको ईयर बताना है गाइस। एंड द करेक्ट आंसर इज 2001।
24th ऑफ अगस्त 2001 में विंडोज एक्सपी को रिलीज किया गया। बहुत फेमस वर्जन भी ये बना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का, विंडोज एक्सपी, जहां पर एक्सपी की फुल फॉर्म है एक्सपीरियंस। और विंडोज एक्सपी को मार्केट से हटा भी लिया गया है ना, ऑफिशियली माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस भी किया है कि विंडोज एक्सपी अब ऑफिशियली किसी भी सिस्टम में नहीं मिलेगी। लेकिन एटीएम मशीन भी विंडोज एक्सपी पर चलती हैं। आपने देखा होगा कई सारी एटीएम मशीन हैं जो बिना टच के काम करती हैं, वो विंडोज एक्सपी पर चलती हैं। और वो एटीएम मशीन जो टच स्क्रीन पर काम करती हैं वो विंडोज 8 पर चलती हैं, है ना। और आगे चलकर विंडोज 10 पर भी उसको अपडेट कर दिया जाएगा, लेकिन हाल ही में विंडोज 8 या 8.1 बिल्कुल सही जवाब बनेगा टच स्क्रीन एटीएम मशीन के लिए। आगे बढ़ते हैं। यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर बाई विच ऑप्शन? ग्रामर एरर या स्पेलिंग एरर को डिटेक्ट करने के लिए किस ऑप्शन का यूज किया जाता है, किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है? अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर जरूर पूछा जाता है। बताइए, वेरी गुड, बिल्कुल सही। एंड दी करेक्ट आंसर इज F7 फंक्शन की का यूज होता है स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर को चेक करने के लिए। देखिए, आप MS वर्ल्ड में काम करिए, MS एक्सेल में काम करिए या किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करिए, वहां पर स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर को चेक करने के लिए F7 शॉर्टकट की होती है। शिफ्ट के साथ F7 का यूज किया जाता है थेसोरस के लिए, और थेसोरस का मतलब होता है सिनोनिम और एंटोनिम। यानी आपको किसी भी वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम देखना है तो इसके लिए शॉर्टकट की यूज होती है शिफ्ट के साथ F7। अगला क्वेश्चन, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर क्लासिफाइड एज लो लेवल लैंग्वेज? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, राज दुलारा क्वेश्चन। बताइएगा, ऐसी कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे लो लेवल लैंग्वेज की कैटेगरी में रखा जाता है? बताइए, C++, एल्गोल, असेंबली, कोबोल या प्रोलॉग? देखिए, आप लोग जानते होंगे कि लो लेवल लैंग्वेज में दो लैंग्वेजेस को रखा जाता है, एक मशीन या जिसे बाइनरी भी बोलते हैं और दूसरा है असेंबली लैंग्वेज। इन दोनों को हम लोग किस में रखते हैं? लो लेवल में रखते हैं। क्या मशीन लैंग्वेज है? नहीं है। क्या बाइनरी लैंग्वेज है? नहीं है। क्या असेंबली लैंग्वेज है? बिल्कुल है। तो आंसर लगा दीजिए यहां पर असेंबली लैंग्वेज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, विच विंडोज वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू माई कंप्यूटर? आप जानते हैं कि आपके कंप्यूटर में माई कंप्यूटर का एक ऑप्शन होता है जिसको जिस पर क्लिक करने से विंडोज एक्सप्लोरर ओपन हो जाता है। आपको बताना है कि माई कंप्यूटर का ये जो ऑप्शन है ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम से शुरू हुआ? विंडोज NT, विंडोज XP, विंडोज 95, विंडोज 98 या फिर नन ऑफ दीज? वेरी गुड, बिल्कुल। एंड दी करेक्ट आंसर इज विंडोज 95। यानी माई कंप्यूटर का ये जो ऑप्शन है ये विंडोज 95 से इंट्रोड्यूस हुआ, तो आंसर बनेगा यहां पर थर्ड, विंडोज 95। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्रोग्राम दैट नीदर रेप्लिकेट और कॉपीज इटसेल्फ। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। वो प्रोग्राम या वो सॉफ्टवेयर जो ना तो रेप्लिकेट होता है और ना अपनी कॉपीज को क्रिएट करता है। रेप्लिकेट करने का मतलब अपनी कई सारी कॉपीज को बनाना, है ना। तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो रेप्लिकेट नहीं होता? जोक प्रोग्राम, वॉर्म, ट्रोजन, हॉक्स या फिशिंग? वेरी गुड, एक क्वेश्चन यहां पर पूछ रहे हैं शायद। अच्छा ठीक है, हाँ, तो यहां पर आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, यहां पर आंसर होगा ट्रोजन। ट्रोजन एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या एक ऐसा प्रोग्राम है या एक ऐसा मेलवेयर है जो अपनी कॉपीज को क्रिएट नहीं करता, यानी रेप्लिकेट नहीं होता है। वेरी गुड, जबकि वॉर्म रेप्लिकेट होता है, वायरस रेप्लिकेट होता है, फिशिंग भी रेप्लिकेटिंग नेचर का ही होता है, लेकिन ट्रोजन रेप्लिकेटिंग नेचर का नहीं होता। अगला देखिए, इन व्हाट ईयर या इन विच ईयर वॉज द एट द रेट
चूजन फॉर इट्स यूज इन ईमेल एड्रेस। एट द रेट का आविष्कार किस साल किया गया, आपको ये ईयर बताना है। वेरी गुड, बिल्कुल इसको याद रखिएगा कि ईमेल 1970 में आया। ईमेल किस ईयर में आया? 1970 में, लेकिन एट द रेट 1972 में आया। आंसर क्या होगा? 1972। और कौन लेकर आया? रे टॉमलिंसन जी लेकर आए। तो एट द रेट के पापा कौन है? रे टॉमलिंसन है। और ईयर कौन सा है? 1972। अगला क्वेश्चन, वेरी गुड, और बहुत बार पूछा गया एग्जाम में एट द रेट, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर, ये किस तरीके की डिवाइसेस हैं? अरे बताइए, बहुत ही हलवा टाइप का क्वेश्चन है। वेरी गुड, देखो कीबोर्ड कैसी है? इनपुट है। प्रिंटर कैसी है? आउटपुट है। स्कैनर कैसा है? इनपुट है। लेकिन इन तीनों को अगर आप देखिए तो कंबाइंड फॉर्म में आप इसको पेरिफेरल डिवाइस बोल सकते हैं, है ना। तो आंसर क्या होगा? फिफ्थ होगा, दैट इज पेरिफेरल डिवाइसेस, है ना। अब कुछ लोग देखो इनपुट दे रहे हैं, क्योंकि देखो प्रिंटर यहां पर आउटपुट भी है, है ना। तो आंसर इनपुट और आउटपुट कुछ नहीं हो सकता, तो आंसर यहां पर करेक्ट क्या होगा? पेरिफेरल होगा। वेरी गुड, है ना। तो यही गलती होती है यहां पर, प्रिंटर आउटपुट है तो इनपुट कैसे हो सकता है? इस क्वेश्चन का आंसर आउटपुट भी नहीं हो सकता, पेरिफेरल होगा। अगला देखो, AOL stands for, AOL की फुल फॉर्म बताइए और AOL होता क्या है ये भी बताइए, है ना। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखो AOL की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन ऑनलाइन, यानी इसका आंसर है फोर्थ, है ना। अगर नहीं आपको पता है तो बहुत अच्छे से सुन लीजिए, अमेरिका की सबसे पहली सर्विस प्रोवाइडर यानी ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है AOL। जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनीज हैं जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है, लेकिन भारत में जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है सबसे पहली, है ना, वो कौन सी है? शायद आप लोग जानते होंगे, उसको टाटा कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। तो भारत की पहली है VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड, जिसको नाम कन्वर्ट करके टाटा कम्युनिकेशन कर दिया गया। लेकिन अमेरिका की पहली कंपनी जो ऑनलाइन सर्विसेज देती है वो है AOL, जिसका नाम है अमेरिकन ऑनलाइन। और इसका भी नाम बदल दिया गया क्योंकि इसको 2015 में वेरिजोन ने खरीद लिया, है ना। तो AOL कंपनी को किसने परचेज कर लिया है? वो कंपनी का नाम है वेरिजोन। और किस ईयर में परचेज किया? तो याद रखिएगा 2015 में। तो अमेरिका की सबसे बड़ी IT सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी है वेरिजोन, और ये 5G नेटवर्क देने के लिए भी लाइन में लगी हुई है, है ना। क्योंकि वेरिजोन काफी प्रयास कर रही है कि सबसे पहले जो 5G नेटवर्क है, है ना, वो यही स्टार्ट करे। तो लेट्स सी कि किसको ये टेंडर मिलता है और कौन सबसे पहले 5G सर्विस को स्टार्ट कर पाता है। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज ऑल्सो नोन एज रीड एंड राइट मेमोरी, इनमें से ऐसी कौन सी मेमोरी है जो रीड और राइट दोनों ही फंक्शनैलिटी के साथ में अवेलेबल है, बताइएगा। हाँ, रजत कौशल जी बिल्कुल, देखो BSNL का तो नामो निशान मिट गया, है ना, क्योंकि BSNL आप जानते हैं प्राइवेट हाथों में जा रही है, है ना। वैसे भी BSNL बदनाम है, भाई साहब नहीं लगेगा, है ना, इस नाम से। चलो, लेकिन बात यहाँ पर BSNL की हो रही थी, है ना। विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये इंडिया की पहली इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, है ना, जिसका नाम बदल के टाटा कम्युनिकेशन कर दिया गया है, बताओ। अब देखो, रीड और राइट मेमोरी की कैटेगरी में एक ही मेमोरी आती है, और वो कौन सी है? दैट मेमोरी इज रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज कंसीडर्ड एज दी रीड एंड राइट मेमोरी, जबकि रोम सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है, और रैम आपकी राइट और रीड दोनों ही फंक्शनैलिटी के साथ में आती है। अगला क्वेश्चन, HTML programming uses dash. HTML programming, HTML का मतलब आप जानते हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, और HTML का इस्तेमाल वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए या वेबसाइट को डेवलप करने के लिए किया जाता है, ये भी आप लोग जानते होंगे। और HTML में किसका इस्तेमाल होता है?
टैग का इस्तेमाल होता है कुछ भी करने के लिए, तो आंसर क्या होगा, फिफ्थ होगा, दैट इज टैग। और ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग, ये दो तरीके के टैग होते हैं एचटीएमएल में। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हैज सेल्फ रेप्लिकेटिंग सॉफ्टवेयर दैट कॉजेज डैमेज टू फाइल्स एंड सिस्टम। बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ना, और ये क्वेश्चन तो हाल ही में देखा भी गया कई एग्जाम्स में, बैंकिंग के एग्जाम में भी अभी हाल ही में पूछा गया था, सेम एज इट इज क्वेश्चन। बताइएगा क्या होगा इसका सही जवाब। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो सेल्फ रेप्लिकेट करता है, यानी अपनी कॉपी बनाता है और डैमेज करता है सिस्टम को। तो वायरस भी है जो रेप्लिकेटिंग नेचर का है, और वॉर्म भी है जो रेप्लिकेटिंग नेचर का है ना। तो आप क्वेश्चन उठता है कि सर आंसर वायरस होगा या वॉर्म होगा, तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि इस केस में अगर ऑप्शन में सिर्फ वायरस होता तो आंसर वायरस हो जाता, पर अगर सिर्फ वॉर्म होता तो आंसर वॉर्म हो जाता। लेकिन अगर ये दोनों ही आपको ऑप्शन में मिलें तो सही जवाब लगाएंगे वॉर्म, यानी राइट वंस रीड मैनी, तो लगा दीजिए फोर्थ आंसर। क्लियर है, वेरी गुड। और वायरस और वॉर्म में एक ही अंतर होता है, वायरस ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट से एक्टिवेट होता है, जबकि वॉर्म खुद ब खुद एक्टिवेट होता है, आत्मनिर्भर होता है ना। तो ये होता है आपका वायरस और वॉर में डिफरेंस। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज अ लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। आपके कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में जो लिंक है वो कौन एस्टैब्लिश करता है, HTTP, ब्राउजर, नेटवर्किंग, URL या सर्च इंजन। वेरी गुड। कुमार सनी जी का क्वेश्चन है, सर ATM की फुल फॉर्म कौन सी सही होगी, ऑटोमेटिक टेलर मशीन या एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। देखो अगर ATM मशीन बैंक के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक टेलर मशीन होगी, है ना, जिसे ऑटोमेटेड टेलर मशीन कहते हैं। और अगर यहां पर नेटवर्किंग के सेंस में बात होगी तो आंसर एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड होगा, है ना। तो अब देखना होगा कि किस सेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उस सेंस से आपको आंसर लगाना होगा। बिल्कुल सही, इस केस में आंसर होगा आपका ब्राउजर, यानी कंप्यूटर और इंटरनेट के बीच में लिंक कौन एस्टैब्लिश करता है, ब्राउजर करता है। इंटरनेट में सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर काम करता है वो कौन सा है, ब्राउजर है। और माइक्रोसॉफ्ट का सबसे लेटेस्ट ब्राउजर कौन सा है ये भी याद रखिएगा, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट ब्राउजर का नाम बताइए, आंसर होगा Edge, राइट। अगला क्वेश्चन, डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग। वेरी गुड। अब यहां पर एक क्वेश्चन आया है अंकज कुमार जी का कि सर एक क्वेश्चन है, आई लव यू और कोड रेड, ये वायरस है या मेलवेयर है। तो ये मेलवेयर है, देखो वायरस भी मेलवेयर है ना, तो सब कुछ क्या होगा, मेलवेयर होगा, याद रखिएगा। डीमॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, यानी डीमॉड्यूलेशन में क्या होता है, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। और मॉड्यूलेशन के केस में क्या होता है, जस्ट अ मिनट, मॉड्यूलेशन के केस में क्या होता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, है ना। तो यहां पर क्या आंसर सही होगा, सेकंड सही होगा। वेरी गुड। अगला देखिए, बताइएगा, इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन इज डन इन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ये किस लेयर पर करते हैं। तो अगर OSI मॉडल आपने बड़ी ही शिद्दत के साथ पढ़ा है ना, बड़ी ही भावनाओं के साथ में पढ़ा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत अच्छे से दे देंगे। बताइएगा, इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन ये OSI मॉडल के सिक्स्थ लेयर का काम होता है, और सिक्स्थ लेयर होती है आपकी कौन सी लेयर,
दैट इज प्रेजेंटेशन लेयर, है ना। तो आंसर क्या होगा, फिफ्थ वन प्रेजेंटेशन लेयर बिल्कुल सही जवाब है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है, है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन कहलाता है ये, पर अक्सर किसी ना किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि प्रेजेंटेशन लेयर का मेन काम क्या होता है, है ना। तो इस केस में भी आंसर क्या होगा, इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। वेरी गुड, अगला देखिए, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज विल टिपिकली हैव द एक्रोनिम। ऑप्टिकल स्टोरेज आप जानते हैं, ऑप्टिकल डिस्क या ऑप्टिकल स्टोरेज उन डिवाइसेस को कहते हैं जो गोल होती हैं, यानी सीडी, डीवीडी, होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, एचवीडी, ये सब आपकी कैसी हैं, ऑप्टिकल स्टोरेज हैं या ऑप्टिकल डिवाइसेस हैं, है ना। तो यानी रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का मतलब क्या है, जिसको आप बार बार यूज कर सकते हैं, और आर डब्ल्यू से इसको हम शो करते हैं, यानी री राइटेबल इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। वेरी गुड, क्लियर है। तो यहां पर एक्रोनिम पूछा जा रहा था किसका, रीयूजेबल का, तो आर डब्ल्यू का मतलब होता है री राइटेबल डिस्क। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सेल फाइल। एक्सेल फाइल को किस नाम से जाना जाता है, वर्कबुक, वर्कशीट, स्प्रेडशीट, स्प्रेड बुक या नन ऑफ दीज, बताइएगा जनाब। वेरी गुड, व्हाट इज द नेम ऑफ एक्सेल फाइल, बिल्कुल सही है। देखो एक्सेल फाइल को हम लोग वर्कबुक कहते हैं। आप लोग जानते होंगे कि एक्सेल फाइल की जब हम बात करते हैं तो यहां पर कई सारी शीट होती हैं। बाय डिफॉल्ट तीन शीट होती हैं, शीट वन, शीट टू, शीट थ्री, और इन शीट्स के कलेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो दैट इज कॉल्ड वर्कबुक, है ना। तो आंसर क्या होगा, कई लोग वर्कशीट लगा के आते हैं, जबकि सही जवाब होगा इसका वर्कबुक। अगला क्वेश्चन देखिए, इन अ रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी में कंप्यूटर इन पोजीशन ऑफ डैश कैन ट्रांसमिट डेटा, यानी रिंग टोपोलॉजी में डेटा जो है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, पैकेट के फॉर्म में, डेटा के फॉर्म में, एक्सेस मेथड के फॉर्म में, टोकन के फॉर्म में, या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं, या आता है बताएंगे नहीं, है ना। कई लोगों को आता है लेकिन फिर भी बताते नहीं है, बताइए। वेरी गुड, बताइए, बिल्कुल सही है। रिंग टोपोलॉजी में आंसर होता है डेटा टोकन के फॉर्म में ट्रेवल करता है, है ना। तो टोकन रिंग भी हम लोग इसको बोलते हैं, तो आंसर होगा फोर्थ, दैट इज टोकन। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन लीजिए, आउटलुक एक्सप्रेस इज अ डैश। आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन है, इसका देखते हैं कितने लोग बिल्कुल सही आंसर बताते हैं। और अगर आपने आंसर बता दिया तो मेरी तरफ से एक बार अपने आप को शाबाश बोल दीजिएगा, वेरी गुड, है ना, अपनी पीठ थपथपा दीजिएगा और बोलिएगा बहुत बढ़िया। बताइए, ईमेल क्लाइंट है, शेड्यूलर है, एड्रेस बुक है, ऑल ऑफ द अबव है या नन ऑफ दीज है। वेरी गुड, देखिए आउटलुक एक्सप्रेस क्या है, जरा इसके बारे में समझ लीजिए। ईमेल की शुरुआत इंडिया में करी है किसने, सबीर भाटिया जी ने, यानी इंडिया में जो ईमेल आया वो सबीर भाटिया की देन थी, और सबीर भाटिया जी ने हॉटमेल नाम का एक ईमेल बनाया, किस नाम का, हॉटमेल नाम का, वो काफी अच्छा बना दिया, क्योंकि देखो इंडियन लोग काम करते हैं तो बहुत बेहतरीन करते हैं, है ना, इसमें कोई शक नहीं, तो उन्होंने बहुत बढ़िया बना दिया। अब अगर बढ़िया बना दिया तो माइक्रोसॉफ्ट का दिल आ गया उन पर, है ना, किस पर, सबीर भाटिया पे दिल नहीं आया, है ना, दिल आ गया किस पर, हॉटमेल पर। तो यहां पर क्या हुआ, अब माइक्रोसॉफ्ट ने सबीर भाटिया से कहा कि ये मुझे दे दो ठाकुर, है ना, ये जो आपने इतना बढ़िया हॉटमेल बनाया है ये मुझे दे दो। उन्होंने कहा अच्छा कितने खोखे देंगे, उन्होंने कहा इतने खोखे देंगे, और ये डील डन हो गई और खरीद लिया माइक्रोसॉफ्ट ने हॉटमेल सबीर भाटिया से, और इसका नाम बदल कर दिया आउटलुक एक्सप्रेस, है ना। तो ये जो आउटलुक एक्सप्रेस जो बहुत फेमस है, जिसे आप माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के नाम से भी जानते हैं आजकल, ये आउटलुक एक्सप्रेस ही है। ये ईमेल क्लाइंट है, बिल्कुल सही बात है। ये शेड्यूलर है, बिल्कुल सही है।
ये एड्रेस बुक के तरीके से भी काम करता है, ये भी सही है। तो आंसर होगा फोर्थ, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक, आंसर क्या होगा? दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। वेरी गुड। तो यानी फोर्थ जिन लोगों ने भी आंसर दिया था उनका आंसर यहां पर बिल्कुल सही है। ठीक है कुमार सनी जी, अपने क्वेश्चन को आप प्लीज इस वीडियो के बाद कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। राइट, चलो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। इट इज द फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन सच एज यूजर नेम एंड पासवर्ड। वेरी गुड, बताओ। ये एक फ्रॉडुलेंट अटेम्प्ट है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जैसे यूजर नेम और पासवर्ड को लेने का ये एक तरीका है। फिशिंग, ट्रोजन हॉर्स, वायरस, क्रैकिंग या डिजिटल स्कैम, क्या बोलते हैं इसको बताइएगा। तो बहुत क्लियर है कि फिशिंग वो मेथड है जिसकी मदद से हम यूजर नेम और पासवर्ड को चुरा सकते हैं, है ना। फिशिंग वो टेक्निक है। तो आंसर होगा नंबर वन, दैट इज फिशिंग। आप जानते हैं फिशिंग के थ्रू हम फेक पेजेस बनाते हैं और डुप्लीकेट पेजेस बना के हम किसी भी वेबसाइट का, और जैसे फेसबुक में काफी बार ये चला है फिशिंग अटैक, है ना। तो यूजर नेम और पासवर्ड चुरा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी इज व्हाट। वेरी गुड, बताइएगा। मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी कौन सी है? और ये क्वेश्चन भी बहुत बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश, रिंग या ट्री। मल्टी पॉइंट का मतलब होता है एक बस हो, एक केबल हो और उससे कई सारे कंप्यूटर कनेक्टेड हो। तो आंसर क्या है? बस टोपोलॉजी, है ना। और यहां पर चूहे की अहमियत बहुत ज्यादा है। अगर चूहे ने गलती से भी केबल को किस कर लिया, है ना, तो केबल चलना बंद हो जाएगी, याद रखिएगा। तो बड़े ही खतरनाक टोपोलॉजी है, इसलिए बस टोपोलॉजी का यूज नहीं किया जाता है, है ना, अवॉइड किया जाता है। और सबसे ज्यादा स्टार टोपोलॉजी का यूज किया जाता है। अगला देखिए, द फर्स्ट कंप्यूटर वर प्रोग्रामड यूजिंग। सबसे पहला कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया किसकी मदद से? HTML की मदद से, जावा की मदद से, सी लैंग्वेज की मदद से, पाइथन की मदद से या मशीन लैंग्वेज। तो आप जानते हैं सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है, मशीन या बाइनरी। तो आंसर क्या होगा? पहला कंप्यूटर भी किसके द्वारा प्रोग्राम किया गया होगा, मशीन लैंग्वेज की मदद से या बाइनरी लैंग्वेज की मदद से। तो आंसर होगा फिफ्थ इज द वेरी वेरी करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया भाई, सेशन अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। रिटेल एम्प्लॉयज टिपिकली यूज विच टर्मिनल टू प्रोसेस सेल्स ट्रांजेक्शन। रिटेल के जो एम्प्लॉयज होते हैं, यानी रिटेल सेक्टर में जो काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं, वो किस टर्मिनल का इस्तेमाल करते हैं बताइएगा। सेल्स प्रोसेसिंग, ट्रांजेक्शन पॉइंट, ऑटोमेटिक टेलर, पॉइंट ऑफ सेल या नन ऑफ दीस। बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। इसको पॉइंट ऑफ सेल या पॉइंट ऑफ परचेज के नाम से भी जानते हैं ना। तो पॉइंट ऑफ सेल भी सही होगा, और अगर इसकी जगह पॉइंट ऑफ परचेज दिया हो तो वो भी सही होगा। अगला क्वेश्चन, फ्लैश मेमोरी इज अ टाइप ऑफ। फ्लैश मेमोरी किस तरीके की मेमोरी है इसके बारे में बताइए। देखिए फ्लैश मेमोरी के बारे में मैं आपको छोटी छोटी मगर मोटी बातें बता दूं। फ्लैश मेमोरी वो मेमोरी है जो ईईपी रोम की मदद से तैयार की जाती है, यानी इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहें या फ्लैश मेमोरी कहें, बात एक ही है। पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी का ही एक प्रकार है, और ये कैसी मेमोरी है? परमानेंट मेमोरी है। और परमानेंट मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। तो आंसर होगा सेकेंड, दैट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वेरी गुड, है ना। वोलाटाइल का मतलब होता है टेम्परेरी। टेम्परेरी तो है नहीं फ्लैश मेमोरी, परमानेंट है, और परमानेंट मेमोरी को बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। इसलिए इसका आंसर सेकंड बिल्कुल सही है, है ना। बिल्कुल प्राची तिवारी, बिल्कुल सही इन्होंने कहा है कि फ्लैश मेमोरी को किसने बनाया है, फ्यूजियो मैसियोको के द्वारा बनाया गया। फाउंडर कौन है इसके? आंसर है फ्यूजियो मैसियोको। अगला क्वेश्चन, स्मॉल प्लेन टेक्स्ट
इतना ही पढ़ो, इतना पढ़ते ही आंसर निकल के आ जाएगा। स्मॉल प्लेन टेक्स्ट फाइल, यानी सबसे छोटी प्लेन टेक्स्ट फाइल क्या होती है? कुकीज होती हैं, है ना। प्लेन टेक्स्ट फाइल हमेशा क्या होती हैं? कुकीज होती हैं, जो हमारे डेटा को, हमारे सर्फिंग डेटा को अपने में स्टोर करती हैं। अब जरा पूरा पढ़ के देख लो, ये बात सही है क्या? स्मॉल प्लेन टेक्स्ट फाइल दैट आर रिटन टू योर कंप्यूटर हार्ड डिस्क बाई मैनी ऑफ दी वेबसाइट यू विजिट आर कॉल्ड, यानी वेबसाइट पर विजिट करने पर आपका डेटा एक हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाता है या किसी मेमोरी में स्टोर हो जाता है, है ना, और वो प्लेन टेक्स्ट फाइल के फॉर्म में होता है। बिल्कुल सही बात है, एंड द करेक्ट आंसर इज कुकीज। वेरी गुड, अगला देखिए। अ कंप्यूटर चेक डैश ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर मैच बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस। कंप्यूटर महाशय चेक करते हैं यूजर नेम और पासवर्ड को, और ये यूजर नेम और पासवर्ड कहां पर स्टोर होता है? डेटाबेस में स्टोर होता है, और वहां से ये चेक करते हैं, और डेटाबेस से अगर यूजर नेम और पासवर्ड मैच कर जाता है तो आपका अकाउंट लॉग इन हो जाता है, साइन इन हो जाता है, है ना। तो आंसर क्या होगा? डेटाबेस होगा। अगला क्वेश्चन, स्मॉल एप्लीकेशन प्रोग्राम, छोटे छोटे एप्लीकेशन प्रोग्राम जो रन करते हैं वेब पेजेस पर और एनिमेशन प्रोवाइड करते हैं, है ना, यानी किसी भी वेबसाइट को एनिमेट कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे वेबसाइट्स में कई सारे बैनर चलते हुए आपको नजर आते हैं, है ना, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक एनिमेशन के स्टाइल में शानदार तरीके से बैनर नजर आते हैं, तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्लैश। और ये एडोब का आप जानते हैं एक सॉफ्टवेयर भी है, है ना, जिसे फ्लैश प्लेयर के नाम से जाना जाता है, जो एनिमेशन के लिए ज्यादातर काम आता है। तो आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, दैट इज फ्लैश। अगला देखिए, इट इज द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड, है ना, ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, यानी कमांड्स को कैरी आउट करना क्या कहलाता है? फेचिंग, स्टोरिंग, डीकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग, या फिर नन ऑफ दीस। बहुत बढ़िया, किसी भी कमांड को प्रोसेस करना या कैरी करना एग्जीक्यूटिंग कहलाता है, है ना, दिस इज कॉल्ड एज एग्जीक्यूटिंग। सपोज करिए कि आपने सी या सी प्लस प्लस पे कोई एक कमांड बनाया, कोई एक प्रोग्राम बनाया, और जब आपने उस पर डबल क्लिक किया तो वो क्या करता है? एग्जीक्यूट हो जाता है वो exe फाइल। इसका मतलब प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड क्या होता है? एग्जीक्यूटिंग होता है। अगला क्वेश्चन, द मूविंग टेक्स्ट दैट अपीयर ऑन वेबसाइट आर नोन एज। क्वेश्चन कह रहा है मूविंग टेक्स्ट, यानी चलता हुआ, दौड़ता हुआ टेक्स्ट, भागता हुआ टेक्स्ट, किसी भी वेबसाइट पर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? बिल्कुल सही पहचाना आपने, मार्क्यू का इस्तेमाल करते हैं, यानी HTML में आप लोग जानते हैं मार्क्यू टैग होता है, जिसका यूज हम लोग करते हैं किसी भी टेक्स्ट को स्क्रॉल करवाने के लिए, किसी भी टेक्स्ट को मूव करवाने के लिए। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन, विच डिवाइस टिपिकली अटैचबल टू कंप्यूटर कीबोर्ड, ऐसी कौन सी डिवाइस है जो कीबोर्ड से अटैच की जाती है और जो ब्लाइंड पीपल को हेल्प करता है रीड करने के लिए, यानी जिनको दिखता नहीं है वो भी टाइप करते हैं और बहुत अच्छे से टाइप करते हैं, इस फंक्शनैलिटी को क्या कहते हैं कीबोर्ड के रिस्पेक्ट? वेरी गुड, दिस इज कॉल्ड ब्रेली डिस्प्ले, है ना। तो ब्रेली डिस्प्ले वो आपके कीबोर्ड का फंक्शन है जिसकी मदद से, जिसके माध्यम से जिनको दिखता नहीं है, है ना, वो भी टाइप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रेली डिस्प्ले। अगला क्वेश्चन, वेरी गुड, समझ में आ रहा है आप लोग को अच्छे से, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ डू यू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम इन एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में करंट डेट और करंट टाइम को डिस्प्ले करने का फीचर कौन सा है? यानी आपको आज की तारीख और अभी का समय अगर डिस्प्ले करवाना है एक्सेल में, तो इसके लिए किस फंक्शन का यूज करेंगे? आंसर है नाउ फंक्शन का यूज करेंगे, है ना। तो थर्ड इसका सबसे सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आईपी एड्रेस।
इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस गलत है, है ना। और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है कि इनमें से कौन सा आईपी एड्रेस गलत है, बताइए। तो कैसे आप बताएंगे, सबसे पहले ये चेक करिए क्या सभी में चार ऑक्टेट गिवन है। तो देखिए ऑक्टेट का मतलब क्या होता है, पहला नंबर, तो 23 फर्स्ट ऑक्टेट है, 54 दूसरा ऑक्टेट है, 231 तीसरा ऑक्टेट है और 10 चौथा ऑक्टेट है। तो सभी में आप देखिए चार ऑक्टेट गिवन है, तो इसका मतलब ये पार्ट तो सही है। अब देखिए चार ऑक्टेट के साथ में क्या तीन डॉट भी लगे हुए हैं, तो बिल्कुल तीन डॉट भी लगे हुए हैं। अब चेक करिए रेंज, तीसरे नंबर पर रेंज कितनी होनी चाहिए, 0 से लेकर 255 तक रेंज होती है आईपी एड्रेस की। तो अगर आप यहां पर देखें तो फर्स्ट बिल्कुल सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन में देखिएगा रेंज 255 से बाहर निकल गई, 298 की रेंज बाहर निकल गई 255 से, इसलिए गलत आंसर बनेगा फोर्थ। राइट, समझ में आ गई बात आप लोग को। अगला क्वेश्चन लीजिए, वेरी गुड, हाँ 255 मैक्स होना चाहिए अमित, वेरी गुड। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी इज नॉट रिलेटेड टू वेबसाइट डिजाइन, इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी है जो वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए काम नहीं करती, HTML वेबसाइट बनाने में काम करती है, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट ये भी वेबसाइट बनाने के लिए काम करती है, PHP यानी हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर इसका भी इस्तेमाल वेबसाइट डिजाइनिंग में करते हैं, JavaScript का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन C++ का इस्तेमाल वेबसाइट डिजाइनिंग में नहीं करते हैं, है ना, या कम करते हैं। तो आंसर क्या होगा, C++। अगला देखिए, इट इज अ टाइप ऑफ अ टू डायमेंशनल बारकोड, ये टू डायमेंशनल बारकोड का बिल्कुल सही एग्जाम्पल है, बताइएगा। टू डायमेंशनल आप लोग समझ रहे होंगे, तो QR कोड हमेशा आपका कैसा होता है, टू डायमेंशनल होता है। QR कोड की फुल फॉर्म क्या है, क्विक रिस्पॉन्स कोड है ना, और ये आपका टू डायमेंशनल बारकोड होता है। अगला क्वेश्चन, इट इज अ टेक्निक दैट इज यूज टू सेंड मोर देन वन कॉल ओवर अ सिंगल लाइन, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा एक ही लाइन पर एक से ज्यादा कॉल फॉरवर्ड की जा सकती है लेकिन रिसीव एक समय पर एक ही होगी, है ना। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड, सेंड करने की बात हो रही है तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, मल्टीप्लेक्सिंग होगा। राइट, अब देखो मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, जरा ध्यान से समझिएगा इस बात को। जब आप किसी को कॉल लगाते हैं, है ना, तो वो कॉल जो है वो जाती है किसी रास्ते के थ्रू, किसी रूट के थ्रू, ये मल्टीप्लेक्सिंग है। तो क्या एक इंसान के पास एक फोन पर एक ही समय पर क्या कई सारी कॉल भेजी जा सकती हैं? आंसर है बिल्कुल सर, भेजी जा सकती है। क्या बाकी कॉल को वो एक साथ अटेंड कर सकता है? बिल्कुल नहीं, एक समय पर एक ही कॉल को वो अटेंड कर सकता है, बाकी कॉल होल्ड पर चली जाएंगी, या फिर अगर वो मर्ज कॉल को फीचर को यूज करेगा तो वो अटेंड कर सकता है बाकी कॉल्स को। इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग, भेजने को बोलते हैं मल्टीप्लेक्सिंग और रिसीव करने के एंड पर जो हम रिसीव करते हैं तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड डी मल्टीप्लेक्सिंग, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टेन्स द एड्रेस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू बी फेच, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द एड्रेस ऑफ द इंस्ट्रक्शन, यानी इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहां पर स्टोर होता है, तो आंसर है प्रोग्राम काउंटर में स्टोर होता है। आप जानते हैं रजिस्टर का ये एक प्रकार है जिसे हम लोग प्रोग्राम काउंटर कहते हैं, तो एड्रेस कहां पर स्टोर होता है अगले इंस्ट्रक्शन का, तो आंसर है प्रोग्राम काउंटर। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होता है, अगर डीकोडिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, यानी डीकोड करने के लिए, है ना, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी चीज को बहुत ही प्राइवेट तरीके से मेंटेन करने के लिए रजिस्टर में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन, द बीसीडी मतलब बाइनरी कोडेड डेसिमल यूजेस हाउ मेनी बिट, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइएगा।
बीसीडी आपने नाम सुना होगा, और बीसीडी कितने बिट का होता है ये आपको बताना है। बाइनरी कोडेड डेसिमल ये 4 बिट का होता है ना, तो आंसर क्या होगा 4 बिट होगा। लेकिन बीसीडी का भी एडवांस वर्जन है जिसको ईबीसीडीआईसी कहा जाता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कहा जाता है। और अगर एग्जाम में ईबीसीडीआईसी पूछ लें तो आंसर 4 का दुगना हो जाएगा, यानी 8 बिट हो जाएगा, है ना। तो याद रखिएगा बीसीडी के केस में हमेशा आंसर 4 बिट होगा, और ईबीसीडीआईसी के केस में सही आंसर 8 बिट होगा। अगला क्वेश्चन, विच वॉज द कंप्यूटर कंसीव्ड बाय बैबेज। बैबेज मतलब अपने वही अंकल चार्ल्स बैबेज, है ना। तो चार्ल्स बैबेज ने किस कंप्यूटर को बनाया है ये आपको बताना है। तो बताइए चार्ल्स बैबेज अंकल ने किस कंप्यूटर को बनाया, डोनाल्ड क्नुथ, अर्थमेटिक मशीन, एनालिटिकल इंजन, ऑल ऑफ दी अबव, या फिर से ऑल ऑफ दीज, है ना, क्लेरिकल मिस्टेक है। बिल्कुल सही गाइज, एंड द करेक्ट आंसर इज एनालिटिकल इंजन, यानी अपने बैबेज अंकल को, है ना, किसका क्रेडिट जाता है, एनालिटिकल इंजन बनाने का क्रेडिट जाता है, इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, हु डेवलप द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। अब देखो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है, पहले तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए, और फिर ये बताइए कि वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया। बहुत बढ़िया, अमित, रवि, ऋषिका, सोनाली, श्वेता, प्राची, डिंपल, वेरी गुड। बिल्कुल, तो बिल्कुल सबसे तेज आंसर दिया है यहां पर प्राची तिवारी ने, और आंसर बिल्कुल सही है, दैट इज बोथ ऑफ दीज, बिल्कुल सही। और बिल्कुल यहां पर आंसर भी मिल गया है, गुरिंदर सिंह जी ने सबसे तेज जवाब दिया है, इनियक, इनियक इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, बिल्कुल सही बात है। और किसने बनाया, तो आंसर है जे परस्पर एकर्ट और जॉन मॉचली, दोनों ने मिलकर बनाया, तो आंसर होगा यहां पर बोथ ऑफ दीज, और कंप्यूटर का नाम है इनियक। शानदार, अगला देखिए, हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, पीसी। आप जानते हैं पीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, प्रियंका चोपड़ा नहीं, पर्सनल कंप्यूटर। और पर्सनल कंप्यूटर के पापा का नाम बताइए जी, कि जिसने पर्सनल कंप्यूटर बनाया है ना, वो खूब रोया, खूब रोया, और इतना रोया कि उसका नाम में ही रो आ गया, है ना। अब तो बता दीजिए, मैंने पूरी हिंट दे दी है। बिल्कुल सही है, एंड द करेक्ट आंसर इज एडवर्ड रोबर्ट, है ना। अब ये मत पूछिएगा क्यों रोया, क्योंकि ये एक शॉर्टकट तरीका है इसको याद रखने का, है ना। तो याद रखिएगा जिसने पीसी बनाया वो बहुत रोया, है ना। तो आंसर है रोबर्ट, और नाम क्या है, एडवर्ड रोबर्ट, यानी थर्ड इज द वेरी करेक्ट आंसर, है ना। तो अब आप एग्जाम में हंसेंगे अगर ये क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अब ये आपको बिल्कुल याद रहने वाला है। वेरी गुड, अगला क्वेश्चन लीजिए, अ डैश इज अप्रोक्सीमेटली अ मिलियन बाइट। 1 मिलियन बाइट कितने के बराबर होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी गुड गाइस, और यहां पर सही जवाब है 1 MB, यानी 1 MB बराबर होता है 1 मिलियन बाइट के, है ना। तो याद रखिएगा, अगर यहां पर दिया होता ट्रिलियन बाइट तो आंसर होता टीबी, ट्रिलियन के केस में आंसर क्या होगा, टीबी होगा। अगर बिलियन देता दिया होता कि अ डैश इज अप्रोक्सीमेटली अ बिलियन बाइट, तो आंसर हो जाता जीबी, है ना। तो इन तीनों को आप याद कर लीजिए कि मिलियन के केस में एमबी आता है, ट्रिलियन के केस में टीबी आता है, और बिलियन के केस में जीबी आता है, है ना। तो इन तीनों को याद रखिएगा तो आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, विच इज मोस्ट कॉमन टूल यूज टू रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, यानी एक ऐसे कॉमन तरीके के टूल का नाम बताइए जो रेस्ट्रिक्ट करता है, जो रोकता है कंप्यूटर सिस्टम के एक्सेस करना, ये मतलब यूज करने से, तो कोई भी कंप्यूटर सिस्टम को यूज ना कर पाए, इसके लिए किसका यूज करेंगे, जल्दी से बताइए। पासवर्ड, यूजर नेम, नेटवर्क, इंटरनेट या ISP। वेरी गुड,
बिल्कुल सही एंड दी करेक्ट आंसर इज, यहां पर सही जवाब क्या होगा, पासवर्ड होगा, है ना। तो हम लोग क्या लगाते हैं, पासवर्ड लगाते हैं, जिससे कि कोई भी हमारे मोबाइल फोन में एक्सेस ना कर पाए, है ना, किसी को पता ना चल पाए किससे बातें चल रही हैं। तो क्या लगता है, पासवर्ड लगता है। आगे बढ़ते हैं, अ डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डीवीडी किसका एग्जाम्पल है, मैग्नेटिक डिस्क का, फ्लैश डिस्क का, सॉलिड डिस्क का, ऑप्टिकल डिस्क का, या फिर ऑल ऑफ दीज। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर गाइस, बिल्कुल सही, जितनी भी गोल वाली डिस्क होती हैं वो ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, है ना। तो इसका मतलब डीवीडी क्या है, ऑप्टिकल डिस्क है। वेरी गुड, याद रखिएगा डीवीडी की जो फुल फॉर्म होती हैं वो दो होती हैं, डिजिटल वीडियो डिस्क भी सही जवाब है और डिजिटल वर्साटाइल डिस्क भी सही जवाब है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि डीवीडी की फुल फॉर्म क्या है, तो डिजिटल वीडियो डिस्क भी सही है और डिजिटल वर्साटाइल डिस्क भी सही है। पर अगर ये दोनों आपको गलती से मिल जाए तो सही आंसर लगा दीजिएगा डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, है ना, क्योंकि ये लेटेस्ट है इसलिए इसी को प्रेफरेंस दी जाती है। अगला क्वेश्चन, द एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिलीटेड और डैमेज फाइल फ्रॉम अ क्रिमिनल कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ लॉ एनफोर्समेंट स्पेशलिटी कॉल्ड, यानी वो एबिलिटी जिसके द्वारा हम डिलीट की हुई या डैमेज फाइल को भी रिकवर कर लेते हैं। सोची, है ना, कई बार आपने देखा होगा कि ऐसे एक्सपर्ट होते हैं जो व्हाट्सएप के डेटा को डिलीट करने के बाद भी रिकवर कर लेते हैं, है ना। अभी आपने हाल ही में न्यूज में भी सुना होगा कि जब सेलिब्रिटीज के घर पर जब छापा पड़ा, है ना, तो उनके मोबाइल फोन को देखा गया और वहां पर कई लोगों की चैटिंग भी पकड़ी गई, रिकवर कर ली गई। तो ये किसकी मदद से किया जाता है, बिल्कुल सही, कंप्यूटर फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से किया जाता है, है ना। तो ये जो एक्सपर्ट की टीम है, व्हाट इज कॉल्ड, दैट इज कंप्यूटर फॉरेंसिक एक्सपर्ट टीम। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन, रैम कैन बी ट्रीटेड एज डैश फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा जरूर, बताइए। अभी हाल ही में 2018 में भी पूछा गया एग्जाम्स में, 19 में भी पूछा गया कई सारे एग्जाम्स में, है ना, और 20 में भी ये क्वेश्चन कई सारे एग्जाम्स में देखने को मिला है, बताइए। रैम कैन बी ट्रीटेड एज डैश फॉर द कंप्यूटर प्रोसेसर, रैम ब्रेन है ना, ब्रेन तो नहीं है क्योंकि ब्रेन है सीपीयू, सुपर मेमोरी है, बिल्कुल नहीं, सुपर मेमोरी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता, और वैसे सुपर मेमोरी तो आपकी रजिस्टर होती है, स्टोर रूम है, स्टोर रूम तो हार्ड डिस्क है जहां पर सब कुछ स्टोर रहता है, वेटिंग रूम है, बिल्कुल सही बात है, यानी सीपीयू में एंटर होने से पहले इंस्ट्रक्शंस रैम में रहते हैं, है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, वेटिंग रूम बोल सकते हैं। तो फोर्थ इसका बिल्कुल और बिल्कुल सही जवाब बनेगा, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, The common name for the crime of stealing password is, password को चुराने का जो attempt है, जो कोशिश है, उसे क्या बोलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में जो कैंडिडेट हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सोच समझ के आपको देना है। पासवर्ड को चुराने का मकसद क्या है, हैकिंग बिल्कुल कह सकते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट ये तो हो नहीं सकता, स्पूफिंग बोल सकते हैं, स्निफिंग कुछ हद तक कह सकते हैं, ट्रोजन नॉट एग्जैक्टली बट हाँ समहाउ। तो अब आंसर होगा क्या इसका, इसका आंसर है स्पूफिंग, है ना। याद रखिएगा अगर कभी भी पासवर्ड को चुराने की बात की जाए, सिर्फ पासवर्ड को, तो यहां पर आंसर क्या बनेगा, स्पूफिंग बनेगा। अब देखिए बाकी क्यों नहीं है, हैकिंग का मतलब होता है डेटा को चुराना, है ना, हैकिंग टर्म जो हम लोग यूज करते हैं वो ज्यादातर किसके लिए करते हैं, इंपॉर्टेंट फाइल्स को चुरा लेना, ये हैकिंग है। आइडेंटिटी थेफ्ट का मतलब है किसी के कंप्यूटर को अपना कंप्यूटर बना के पेश करना, यानी उसके सारे राइट्स ले लेना, है ना, दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी थेफ्ट। स्निफिंग का मतलब होता है, स्निफर डॉग मतलब डॉग की कॉन्सेप्ट को याद करिए,
यानी जो मॉनिटर करे वो स्निफिंग है। ट्रोजन आप जानते हैं छुपके वार करना, है ना, ये ट्रोजन है। और स्पूफिंग टर्म हम लोग यूज करते हैं आईपी के रिस्पेक्ट में, ईमेल के रिस्पेक्ट में, और इसके थ्रू पासवर्ड को बदला जा सकता है, चुराया जा सकता है ना, तो दैट इज कॉल्ड स्पूफिंग। वेरी गुड। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट के पापा का नाम बताइए। बहुत आसान है, जानते होंगे आप लोग ये क्वेश्चन तो। चार्ल्स बैबेज बिल्कुल नहीं, है ना, ये आपने अभी देखा, ये एनालिटिकल इंजन के पापा हैं, है ना, चार्ल्स बैबेज। विंट सर्फ बिल्कुल सही, यही नाम है फादर ऑफ इंटरनेट के रिस्पेक्ट, तो सेकंड इज दी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, डेनिस रिट्ची, देखिए डेनिस रिट्ची की अगर हम बात करें तो ये सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पापा हैं। मार्टिन कूपर, ये मोबाइल के फाउंडर हैं, तो मोबाइल फोन बनाने वाले कौन हैं, मार्टिन कूपर हैं। टिम बर्नर्स ली WWW के पापा हैं, टिम बर्नर्स ली, है ना, याद रखिएगा। और इंटरनेट के पापा हैं विंडसर। अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एमएस डॉस इज, एमएस डॉस किस तरीके का ऑपरेटिंग सिस्टम है, कमांड लाइन इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मल्टीटास्किंग, मेन्यू ड्राइवन या मल्टी यूजर, बताइए। देखो एमएस डॉस माइक्रोसॉफ्ट का सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कमांड पर काम करता है ना, किस पर काम करता है, यानी एमएस डॉस को चलाने के लिए कमांड्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो आंसर क्या होगा, कमांड लाइन इंटरफेस। जबकि विंडोज कैसा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। और लाइनेक्स कैसा है, ये CLI और GUI का कॉम्बिनेशन है, है ना, तो अगर लाइनेक्स एग्जाम में पूछा जाएगा तो आंसर क्या होगा, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 2, यानी कमांड लाइन इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दोनों का कॉम्बिनेशन है लाइनेक्स। विंडोज क्या है, ये सिर्फ GUI बेस्ड है। क्लियर है, अगला क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी इज यूज इन कॉम्पैक्ट डिस्क, CD में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, बहुत आसान है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेजर या ऑल ऑफ दीज, तो आप लोग सब जानते हैं, है ना, अपनी प्यारी CD जो 10 रुपए में मिल जाती है, है ना, और वायरस के साथ लेंगे तो 5 रुपए में भी मिल जाएगी, है ना, इतनी बढ़िया होती है ये, तो CD किस टेक्नोलॉजी पर काम करती है, लेजर टेक्नोलॉजी पर काम करती है, तो 4th इज दी बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। एक क्वेश्चन आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और क्वेश्चन है क्लास कब एंड होगी, तो बस 6 क्वेश्चन और हैं, यानी 60 क्वेश्चन के बाद में क्लास एंड हो जाएगी। आप लोग थक बहुत जल्दी जाते हैं, ये बड़ी समस्या है। चलिए अगला देखिए, इन विच ईयर द माइक्रोसॉफ्ट कंपनी वॉज फाउंडेड, किस ईयर में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है वो बनी, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए माइक्रोसॉफ्ट तो IT कंपनी की वन ऑफ दी फेमस कंपनी है ना, और ये तो पता ही होना चाहिए कि बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा बनाई हुई माइक्रोसॉफ्ट किस ईयर में बनी। वेरी गुड, बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज 1975, है ना, 1975 वो ईयर है जब अपने बिल भाई ने, है ना, पॉल एलन भाई के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना करी, तो याद रखिएगा 1975। अगला क्वेश्चन, विच कमांड इन डॉस कैन बी यूज टू रिकवर एक्सीडेंटली डिलीटेड फाइल, यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कौन सा कमांड है जिसकी मदद से धोखे से, गलती से डिलीट हुए डेटा को रिकवर किया जा सकता है, है ना, तो कई बार गलती से मिस्टेक हो जाती है, और अगर गलती से मिस्टेक हो गई आपसे और एमएस डॉस आप यूज कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ऐसा कौन सा कमांड चलाएंगे कि आपकी फाइल रिकवर हो जाएगी। बिल्कुल सही, एंड द राइट आंसर इज अनडिलीट, है ना, तो ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा अनडिलीट वो ऑप्शन है जिसकी मदद से आप दुर्घटनाग्रस्त हुई फाइल्स को फिर से रिकवर कर सकते हैं। क्लियर है, अगला क्वेश्चन,
हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ आईबीएम कंपनी। आईबीएम आप जानते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है ना, सबसे पुरानी कंपनी है। हार्ड डिस्क की बात करें है ना या फिर पेन ड्राइव की बात करें तो कहीं ना कहीं आईबीएम की भूमिका इसमें बहुत ज्यादा रही है। तो बताइए आईबीएम के पापा का नाम क्या है? वेरी गुड, आईबीएम के पापा का नाम है, बहुत बड़ा नाम है ना। तो आईबीएम कंपनी भी बहुत बड़ी है और इनका नाम भी बहुत बड़ा है, चार्ल्स रैनलेट फ्लिंट है ना। आपको तीन तीन नाम लग रहे होंगे लेकिन ये तीन नाम नहीं, एक ही नाम है। तो बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज चार्ल्स रैनलेट फ्लिंट है ना, ही इज नोन एज द फाउंडर ऑफ आईबीएम कंपनी। अगला क्वेश्चन, बाकी देखो बिल गेट्स आप जानते हैं है ना, माइक्रोसॉफ्ट के पापा हैं। स्टीव जॉब्स एप्पल के पापा हैं। एलन ट्यूरिंग है ना, ये मॉडर्न कंप्यूटर के पापा हैं, और एलन ट्यूरिंग मॉडर्न कंप्यूटर के भी हैं, और जॉन वॉन न्यूमैन भी मॉडर्न कंप्यूटर के भी पापा हैं है ना। तो मॉडर्न कंप्यूटर के दो पापा हैं, एलन ट्यूरिंग भी हैं और जॉन वॉन न्यूमैन भी हैं है ना। लेकिन दोनों ऑप्शन अगर आपको मिल जाए तो सही जवाब होगा एलन ट्यूरिंग, और अगर एलन ट्यूरिंग ना मिले मॉडर्न कंप्यूटर के पापा में तो आंसर लगा दीजिएगा जॉन वॉन न्यूमैन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अगला देखिए, एलन कंप्यूटर वर्क्स ऑन दी सप्लाई ऑफ, एनालॉग कंप्यूटर काम करता है किसकी सप्लाई में, यानी कैसी सप्लाई होती है एनालॉग कंप्यूटर में, एनालॉग कंप्यूटर होते कौन कौन से हैं पहले ये सोच के देखो। बिल्कुल सही आपने सोचा है ना, जो आप बाइक चलाते हैं या स्कूटी चलाते हैं है ना, तब जो मीटर आपके सामने घूमता है वो कैसा है, एनालॉग है। तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिक पल्सेस वहां पर चलती हैं है ना। तो आंसर क्या होगा, नंबर वन होगा कॉन्टिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस, बिल्कुल और बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, विच वन इज डिजिटल डिवाइस सिलेक्ट फ्रॉम दी चॉइसेस बिलो, नीचे दिए हुए ऑप्शन में डिजिटल डिवाइस कौन सी है, नाम बताइए। डिजिटल क्लॉक है, थर्मामीटर है, ह्यूमन वॉइस है, ऑल ऑफ दीज है, या नन ऑफ दीज है, या आता है बताएंगे नहीं। वेरी गुड, बिल्कुल सही गाइस, डिजिटल डिवाइस कौन सी है, डिजिटल क्लॉक आपकी डिजिटल डिवाइस की कैटेगरी में आएगी, यानी फर्स्ट इज दी बिल्कुल एंड बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन गाइस, बताइएगा। कल के सेशन में हम लोग 61 क्वेश्चन से शुरू करेंगे है ना, तो इसी के आगे से आपके क्वेश्चन ये रहेंगे, और कोशिश करेंगे कि इन 5 दिनों में मैक्सिमम से मैक्सिमम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कवर कर लें। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मिनी कंप्यूटर का मतलब सर्वर, जितने भी सर्वर होते हैं वो आपकी मिनी कंप्यूटर की कैटेगरी में काउंट किए जाते हैं, और माइक्रो कंप्यूटर का मतलब है आपका पर्सनल कंप्यूटर, आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप, आपका पाल्म टॉप, ये सब माइक्रो कंप्यूटर है, यानी जिसमें माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है वो माइक्रो कंप्यूटर है ना, नॉर्मल सी बात है। तो आप देख लेते हैं ऑप्शन में एक बार, मिनी कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर वर्क्स फास्टर देन मिनी कंप्यूटर, स्पीड ऑफ बोथ दी कंप्यूटर इज सेम, स्पीड ऑफ बोथ दीज कंप्यूटर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड, या नन ऑफ दीज। क्या होगा इसका आंसर ये बताएंगे आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके है ना। तो आप लोग मुझे बताइएगा इस वीडियो के बाद में कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे दिया है ना। तो कल इसी क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे और आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है ना, कैसा लगा आपको सेशन जरूर बताइएगा, और अगर आपको कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी मर्जी हो तो बिल्कुल आप लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलेंगे कल फिर ऐसे ही सेशन के साथ, इसी सेशन को कंटिन्यू करने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक यू वेरी मच गाइस।